मेरा नाम डॉक्टर शौकत अली है, मैं फैकल्टी मेंबर हूँ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का और डॉ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल भी हूँ। मैं लीड कर रहा हूँ एक रिसर्च को यहाँ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में और एक क्लिनिकल ट्रायल को जिसका मकसद है हम जो सिवियर और क्रिटिकल COVID-19 पेशेंट डॉ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनको हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसका नाम CIVIG है। ये इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज़ का एक ऐसा इंजेक्शन है जो तैयार किया गया है उन इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा से जो COVID-19 से रिकवर हुए हैं। ऑफ कोर्स जब कोई शख्स COVID-19 से रिकवर होता है तो उस शख्स के प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जिसने उस शख्स को सेहतियाब होने में मदद की होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो हमने इस ड्रग को जो है वो टेस्टिंग के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए रजिस्टर किया है कि जब एक शख्स उससे रिकवर हुआ और एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं यही एंटीबॉडीज़ अगर किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ्यूज़ की जाएगी तो उसको हेल्प करेगी रिकवर होने में। थोड़ा सा आपको अपने सफ़र के बारे में बता दूं कि ये हमें ये आइडिया आया कैसे और किस तरह जो है हमने इसको कैरी आउट किया, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो बैन अवी चैनल भी हैं उन्होंने जब हमने ये क्लेम किया 13 अप्रैल 2020 को तो उस वक्त भी बहुत सारे चैनल्स जो थे इंटरनेशनल उन्होंने सवाल किया कि हाउ कम कि ये पाकिस्तान में इतनी जल्दी जो है ये सोल्यूशन आ गया जबकि दुनिया भर जो है जो जिन लोगों से जिन ममालिक से पाकिस्तान एंटीबॉडीज़ इम्पोर्ट करता है उन्होंने अब तक अनाउंस नहीं किया जबकि डॉ यूनिवर्सिटी ने इतनी जल्दी ये प्रोग्रेस अनाउंस कैसे कर दी, इतनी जल्दी पेशरफ हो कैसे गई। और उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पिछले जो है मैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में पिछले 5 साल से एंटी स्नेक वेनम नामी एक ड्रग पे काम कर रहा था जिसमें घोड़ों को वेनोम के सब लीथल इंजेक्शन लगाए जाते हैं यानी जिससे वो मरते नहीं हैं मगर उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं सांप के जहर के खिलाफ और बाद में उन घोड़ों को हम ब्लीड करते हैं उनसे 3 से 4 लीटर ब्लड लेते हैं और उस ब्लड से फिर एंटीबॉडीज को प्योरीफाई करते हैं और क्योंकि सांप के कांटे के खिलाफ सांप के जो जहर है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज उसमें मौजूद होती हैं तो फिर ये जो एंटीबॉडीज होती हैं किसी भी उस शख्स को लगाई जाती हैं जिसको सांप जो है वो काट लेता है। जब COVID-19 का ये सारा सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान में और पेशेंट का नंबर इंक्रीज होना शुरू हुआ और जब लॉकडाउन हुआ मार्च 2020 में सो आई वॉज विद माई टीम, आई हैड अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स जो में से कुछ लोग एम फिल कर रहे थे कुछ लोग मेरे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। आई डिस्कस्ड विद माई स्टूडेंट्स एंड आई सजेस्टेड के जो काम हम घोड़ों के साथ एंटी स्नेक वेनम में करते हैं जो काम हम सांप के कांटे के खिलाफ जो है इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में करते हैं क्यों ना वही काम जो है वो हम COVID-19 के पेशेंट के प्लाज्मा से करें और उनके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ को फ्रैक्शनेट करें और उस एंटीबॉडीज़ को यूज़ करने की कोशिश करें ट्रीट करने के लिए COVID-19 को। ये कोई अराउंड मिड ऑफ मार्च 2020 की बात है जब हमने अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू किया। सबसे पहला पेशेंट जो हमें मिला वो डॉ यूनिवर्सिटी से ओझा कैंपस से डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट था जिसने हमें कंसेंट दिया अपने प्लाज्मा का। उस प्लाज्मा को यूज़ करके हमने लेबॉर्ट्री में जो है वो फ्रैक्शनेट किया एंटीबॉडीज़ को और उसके बाद मार्केट में मौजूद एक कमर्शियल किट से एंटीबॉडी की प्रेजेंस को वेरीफाई किया और उसके बाद हमने इसको जो है वो फॉर्मुलेट किया और उसके बाद कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो है वो हमने इसकी अनाउंसमेंट की अप्रैल 2020 में। द रीज़न हम इतनी जल्दी ये कर पाए क्योंकि हमारे पास एंटी स्नेक वेनम की प्रोडक्शन की एक फैसिलिटी मौजूद थी, उस प्रोजेक्ट पे R&D करने का तजुर्बा मौजूद था और साथ ही साथ डॉ यूनिवर्सिटी बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा था COVID-19 के खिलाफ और हमारे पास पेशेंट एडमिटेड थे हॉस्पिटल में। तो जो दुनिया भर की तमाम जो इंडस्ट्रीज इस पे काम कर रही थी IVIG पे उनके पास शायद फैक्ट्री भी मौजूद थी बनाने के लिए एक्सपीरियंस भी मौजूद था लेकिन उनका एक्सेस पेशेंट तक नहीं था जबकि हमारे केस में हमें पेशेंट की अवेलेबिलिटी भी थी जिसने हमें हेल्प की कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ कैंपस में मौजूद थी और हमने इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। उसके बाद हमारे जो अनाउंसमेंट के बाद हमने अपना जो सिलसिला शुरू किया वो क्लिनिकल ट्रायल की रजिस्ट्रेशन का था। हम अपने इस प्रोजेक्ट को लेके जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड में गए, वहाँ से अप्रूव कराया, नेशनल बायोएथिक कमेटी को उसको प्रपोज किया, उनसे अप्रूव कराया, उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से डिस्कस किया और उनको सबमिट की एप्लीकेशन क्लिनिकल ट्रायल कर, वहाँ से अप्रूव कराने के बाद
हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्री जो होती है क्लिनिकल ट्रायल्स .gov वहाँ पे अपने क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर कराया, और उसके बाद हमने जो है वो जो जनरल पब्लिक थी कराची की उसको कॉल दी कि हम प्लाज्मा जो है ना वो कलेक्ट कर रहे हैं, और उस प्लाज्मा को कलेक्ट करने के बाद खासी तादाद में लोगों ने प्लाज्मा दिया, और उस प्लाज्मा को हमारी जो टीम थी उसने जो है वो प्रोसेस किया, प्रोडक्शन की, उसमें फ्रैक्शनेट किया उस प्लाज्मा को, और उससे एंटीबॉडीज को ड्राइव किया, और इस सोल्यूशन को हमने IVIG की जगह CIVIG का यानी COVID-19 के अगेंस्ट IVIG जो हमने डेवलप की थी। इसमें जो दो कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक कंपोनेंट है कि वो एंटीबॉडीज इस प्लाज्मा में मौजूद थी जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनी हुई थी। इसके अलावा इसमें और एक बड़ा फ्रैक्शन उन एंटीबॉडीज का भी शामिल था जो डिफरेंट पैथोजन या डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और हमारी जनरल पब्लिक में एग्जिस्ट करती हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इसका होना, क्योंकि एक तरफ COVID-19 का जो पेशेंट होता है उस पे कोरोना वायरस अटैक करता है उसके लंग्स पे, और लंग्स जो है वो डैमेज होते हैं। दूसरी तरफ जब पेशेंट खराब हो जाता है यानी सिवियर से कोविड क्रिटिकल की तरफ जा रहा होता है, तो इस क्रिटिकल पेशेंट में जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो वेंट पे चला जाता है, उसकी जान को खतरा, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ जाता है, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्सिस की वजह से आता है। तो एक तरफ तो जो COVID-19 के अगेंस्ट मौजूद एंटीबॉडीज थी वो वायरल न्यूट्रलाइजेशन कर रही थी कोरोना वायरस को, और दूसरी तरफ जो बाकी एंटीबॉडीज थी वो उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रही थी जो सेप्सिस कॉज कर सकते थे, और जिसकी वजह से जो हमने आज अनाउंसमेंट की है कि हमें हमारे क्लिनिकल ट्रायल में सिवियर केसेस के अंदर 100% रिकवरी मिली है पेशेंट की, और क्रिटिकल पेशेंट में हमें 60% रिकवरी मिली है। इस कामयाबी के पीछे भी ये थ्योरी थी, ये हाइपोथेसिस था कि हमारे पास दो तरह की एंटीबॉडीज जो है उस प्लाज्मा में मौजूद थी जो न सिर्फ वायरल कोरोना वायरस से जो है वो कवरेज दे रही थी बल्कि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता था उससे भी कवरेज दे रही थी। ये जो टीम है हमारी, ये काम हमने अप्रैल से शुरू किया, बहुत ही मुख्तसर टीम के साथ शुरू किया, मेरे ख्याल है मुझ समेत तकरीबन 4 से 5 लोग थे, और उसके बाद फिर साथ साथ हमारे साथ लोग आते गए और जुड़ते गए। हमने हायर एजुकेशन कमीशन की एक ग्रांट अप्लाई की, इनिशियली हमारी तमाम फंडिंग डॉ यूनिवर्सिटी ने की, और उसके बाद जो है वो HEC ने भी हमें फंडिंग ग्रांट की तकरीबन 1 करोड़ रुपए की, और उसके बाद जो है वो हमारी टीम जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होना शुरू की। तकरीबन अब हम लोग 10 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हमारी टीम जो है वो लाइक अ कंपनी काम करती है। ये काम जो है वो अगर किसी कंपनी में किया जाता है तकरीबन 40 से 50 लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो दाद दूंगा अपनी इस टीम को जो यंग लोगों की टीम है तमाम, और इस यंग लोगों की टीम ने तकरीबन 8 से 10 लोगों ने मिलके 50 लोगों के बराबर काम किया है और दिन रात काम किया है, चाहे वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए जो है वो पोस्टर डिज़ाइन करना हो, चाहे वो पेशेंट को कॉन्टैक्ट करना हो, चाहे पेशेंट को घर तक, घर से लेके आना हो, घर तक छोड़ के आना, उसका प्लाज्मा फ्रेसिस करके उसका प्लाज्मा कलेक्ट करना, उस प्लाज्मा को स्टोर करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर ये जो कलेक्टेड प्लाज्मा है इसको निकाल के इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करना, उस क्वालिटी कंट्रोल के बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना क्लिनिकल ट्रायल की, और इस इन क्लिनिकल ट्रायल को डिफरेंट रजिस्ट्रीज पे रजिस्टर कराना, उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना और उनसे पेशेंट के लिए सजेशन लेना, पेशेंट की फैमिलीज को कांटेक्ट करना, उनसे कंसेंट लेना, कंसेंट लेने के बाद जो है वो ACIVIG को पेशेंट तक पहुंचाने में मदद देना, और फिर वहां पे इन्फ्यूज़ करने के बाद वो जो पेशेंट का जितना भी डाटा है क्लिनिकल डाटा उसको उसका फॉलोअप करना, उसको गैदर करना, उसको एनालाइज करना, जिसकी बेसिस पे आज हमने ये क्लेम जो है वो जनरल पब्लिक में किया है। ये तमाम जो तमाम का तमाम था ये तकरीबन 10 लोगों की टीम कर रही थी, साथ साथ हमें जो हेल्प कर रहे थे वो डॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के नर्सेस, डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और जो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस का एक और जो हॉस्पिटल जो COVID-19 हॉस्पिटल जो सिन इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल बना है, वहाँ की नर्सेस, वहाँ के डॉक्टर्स वो लायक तहसीन है कि उन्होंने इंतहा से ज़्यादा हमारी मदद की है। इसके अलावा जो है वो हमारा ब्लड बैंक की टीम थी जो वहाँ के टेक्नीशियन थे जिन्होंने जो है वो हमारी मदद की प्लाज्मा हासिल करने के लिए, और डॉ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया थी जिन्होंने हर लम्हे हमें सपोर्ट किया, चाहे वो वेबसाइट पे जो है वो चीज़ों को अपलोड करना हो, चाहे वो कोई जो है वो किसी अथॉरिटी से बात करनी हो, हर लेवल पे हमें जो है वो सपोर्ट मिली डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डिफरेंट टीम्स से।
इसके अलावा जो है वो जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो, चाहे वो वाइस चांसलर ऑफिस हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, वाइस चांसलर खुद हो, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, हर तरह की अथॉरिटीज से डिस्कस किया, जहाँ जहाँ भी हम स्ट्रक किए वहाँ पर जो है वो हमारी सपोर्ट में वो आगे आगे रहे। साथ ही मैं जो है वो तारीफ करूँगा पाकिस्तान के इदारों की। नॉर्मली जो है वो इस तरह का रद्द अमल देखने में नहीं आता, लेकिन इस बार अल्लाह ताला की खास मेहरबानी थी कि कोविड में हमारे हर इदारा, चाहे वो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हो, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन हो, चाहे वो नेशनल बायोथिक कमेटी हो, चाहे वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, हर इदारे ने हमें जो है वो एक्सपेडाइटेड रिस्पॉन्स दिया, एक्सप्रेस रिस्पॉन्स दिया, फास्ट ट्रैक से हमारी एप्लीकेशन को प्रोसीड किया और हमें हर तरह से सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं। तो ये इन तमाम की जो है वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट थी जिसने हमें हेल्प की कि हम आज ये जो है वो खुशखबरी कौम तक पहुंचा पाए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अभी हम जो है वो हाफ वे ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पहुंच गए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है इसी कामयाबी के साथ ये प्रोग्रेस करेगा। आज के अनाउंसमेंट के दो बड़े मकासद थे, एक तो ये कि जनरल पब्लिक तक ये अवेयरनेस कि एक इंडिजिनस सोल्यूशन अवेलेबल है, और हमारी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को ये बताना कि उनकी हेल्प से और उनके कॉपरेशन से और उनकी सपोर्ट से हम जो है वो इस दवा को वाइड स्प्रेड कर सकते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो अभी हम डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम इससे बाहर भी जो है वो फैसिलिटेट करने लायक हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो प्लाज्मा डोनर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के भी प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद है, या जो लोग जो COVID-19 से रिकवर हुए हैं, या जिनको अलामत ना होने के बावजूद भी एंटीबॉडीज डिटेक्ट हुई है, या जिनको शुबा है कि उनके पास एंटीबॉडीज हो सकती हैं, दे शुड कम आउट वॉलंटियर प्लाज्मा हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग मैन्युफैक्चर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को जो है वो हम इन्फ्यूज़ करके उनको फ़ायदा पहुँचा सकें। इसके साथ ही मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो इस टीम का पार्ट थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशिद अली साहब, जो यहाँ पे इस कमरे में मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शेख, सैयद मुनीबुद्दीन साहब, सैयद फातमा अंजुम, साथ में आयशा अली, अलीशा शालिम, फैसल शहाब साहब, तहरीन मुश्ताक साहिबा, डॉक्टर फरा फरहान, इस्लामाबाद से हमें एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं अब्दुल समद खान साहब, हमारी ब्लड बैंक टीम की इंचार्ज जो है वो शाहीन कौसर साहिबा, ब्लड बैंक की पूरी टीम, और साथ ही साथ जो है हमारी क्लिनिकल टीम की जो लीड कर रही थी डॉक्टर शोभा लक्ष्मी डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर हामिद महमूद साहब, वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल अजीज़ जोखियो, डॉक्टर मोहसिन जहूर बाजवा साहब, साथ ही जो है वो हमारे सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल में हमारी बहुत ही कोऑपरेटिव साथी हैं डॉक्टर मुनीबा सईद साहिबा, फिर हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी, और तमाम की तमाम जो टीम है हमारी सैयद मुशतबा नदीम साहब, और इसी तरह हमारी जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने ये तमाम एफर्ट में हमारी बहुत मदद की है, और आप सबकी दुआओं का भी इसमें बहुत रोल शामिल है, और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी इस काविश को सराहा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी दे और पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और साइंस इस कंट्री में फले फूले और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू वेरी मच।